हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा सवाल है, क्या मुस्लिम नेताओं जो एमएलए जो हैं वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पे प्रभाव कम है उन आप लोगों का? तो आपको लगता है कि ये शिवसेना सरकार ने एक मुसलमान जो है बराबर जो है इनको मिसगाइड किया या लॉलीपॉप? गुजरात से बकरे आए हुए महाराष्ट्र बॉर्डर पे, गुजरात गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, महाराष्ट्र आपकी सेक्युलर, आप ही दुहाई देते हो कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एक सेक्युलर सरकार है, मुसलमानों के लिए अच्छा हो। ये बात सही है कि इन्होंने हिंदुत्व का चेहरा दिखा दिया और उनके लोग खुश रहे, मुसलमान भाड़ में गया, इनको फर्क नहीं। क्या हमारे मुस्लिम जो एमएलए हैं क्या वो इस काम में असक्षम रहे? आशिम भाई, आपने शरद पवार जी को इन्वॉल्व किया दो दिन पहले। शरद पवार जी बहुत पावरफुल नेता, जैसे आपको सबको पता है, उनके इंटरफेरेंस क्या उनका भी प्रभाव जो है इस गवर्नमेंट पे नहीं पड़ा या वो नहीं? हमारे देश में रिश्वत चलती है, जितना रिश्वत से बकरे ला सकते हो ले आओ। बकरों को लेके, बकरा ईद को लेके बहुत सारे मसले तीन चार दिन से चल रहे हैं। तिलसारी बॉर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट पालघर में, वहाँ पर भी बकरे मर रहे हैं, बकरे को अंदर नहीं आना चाहिए, बहुत सारे मसले चल रहे हैं। लाचार है पब्लिक, लाचार है नेता। एमएलए जो है जितने भी मीटिंग्स की है वो मीटिंग्स हो रही है पर असर कुछ नहीं पड़ रहा है। अबू हाशिम आजमी जी ने शरद पवार जी को इन्वॉल्व किया, शाम को मीटिंग हुई, उसके बाद जो हुआ है उसके बाद भी अभी तक सीएम साहब की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं है। बात करते हैं अबू हाशिम आजमी जी से। हाशिम, हमारा सवाल है, क्या मुस्लिम नेताओं जो एमएलए जो हैं वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पे प्रभाव कम है उन आप लोगों का? बिल्कुल कम है। मेरा क्या, आठ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आठ, पवार साहब के अंडर में अजीत पवार साहब, अनिल देशमुख साहब, नवाब मलिक, बाला साहब थोराट, जितेंद्र अवार्ड और कोई लोग मिला करके आठ मिनिस्टर गए थे। हम तो ठीक है, हम तो एक एमएलए हैं खाली ना, हमारे सपोर्ट से सरकार चलती है ना गिरती है, लेकिन बीजेपी ना आने पाए इसलिए हमने सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन ये आठ लोग गए थे, सीएम साहब ने किसी की बात नहीं माना। एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो इशू किया गया है, जो आप लोग ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया, उसके बाद भी हमने को सुनने में आया कि एक अलग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ऑनलाइन स्लॉटर बकरे को कर, ये कुर्बानी की बात कही गई है कि आप लोग एक सिंबॉलिक वो कीजिए, उस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, कुछ अब की बकरीद में लगता है कि पहले से नीयत ख़राब थी, इन्होंने कोई प्रोसीजर अडॉप्ट ही नहीं किया। इन्होंने एक आधे पेज का एक वो निकाल दिया, एसओपी निकाल दिया, उस पर लिख दिया कि जानवर, व्हाट जानवर, उस पर लिखना चाहिए बकरे एंड भैंस, और नीचे लिख दिया कि सिंबॉलिक, व्हाट सिंबॉलिक, क्या कोई मिट्टी का बकरा बना करके, कागज़ का बकरा बना के उसको कुर्बानी कर सिंबॉलिक? अरे भाई, देश का संविधान हमेशा अमेंडमेंट होता रहता है, लेकिन इस्लाम का संविधान में अमेंडमेंट नहीं है, एक बार जो हो गया वो हो गया, कुर्बानी करना ज़रूरी। अगर मुख्यमंत्री ये कहते कि मेरे राज्य में एक भी कुर्बानी होने नहीं दूंगा, तो बेचारे वो लोग जो बेचारे बकरे लेकर आए हैं, परेशान हैं, उनके बकरे मर रहे हैं और करोड़ों, कई करोड़ का नुकसान होने वाला है, किसानों का की बर्बादी है, मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं, कोई एसओपी तैयार नहीं हुई। पहले जब इसके पहले सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी जिसमें ये शामिल थे शिवसेना वाले, हमेशा ईद के पहले, बकरीद के पहले एक मीटिंग होती थी, सारे उलमाओं को, सारे नेताओं को बुलाया जाता था, सारे अधिकारी आते थे और सबसे बात करके वहाँ पर एक एसओपी तैयार होती थी। अब की कुछ नहीं, अब की बात जो भी हुई ना, सब बात सिर्फ और सिर्फ बात सुन के उन्होंने ख़त्म कर दिया। कहा कि आप ऑनलाइन खरीदिए, मुझे बताइए, अच्छा बकरे ऑनलाइन कैसे खरीदे? कोई आदमी कान देखना है, दांत देखना है, पैर देखना है, और वहाँ से बकरे कौन सा किसान अला ऑनलाइन बकरा बेच पाएगा? लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम ऑनलाइन खरीद लेंगे। खरीदेगा आदमी कहाँ पर? बम्बई में जब बाज़ार नहीं लगेगी तो लोग जहाँ लामवाला लोग बाहर जाएंगे खरीदेंगे, कोई भिंडी में खरीदेगा, कोई नासिक में खरीदेगा, कोई जा करके उधर वापी में खरीदेगा, और उसके बाद आदमी दो बकरे चार बकरे खरीदेगा, गाड़ी में रख के ले आएगा। अगर दो बकरे ले आएगा कोई टेम्पो में तो वहाँ से यहाँ आने का भाड़ा बहुत लगता है। तो ये हुआ, अच्छा ये भी कहा था उन्होंने कि ज़बानी बात कर, नवाब मलिक ने कहा था कि एक सोसाइटी के लोग एक साथ जो है ना बकरे लेकर आएँ, ठीक है, एक साथ बकरे कितने लाएंगे, 50 बकरे, 100 बकरे, 200 बकरे, तो दो टेम्पो, तीन टेम्पो में ले आते। लेकिन एक तरफ तो किसी एक मसला है ना कि चोर से बोलो चोरी करो, सौका को बोलो जागते रहो, यही किया हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने। इधर एक तरफ कह दिया बकरे की कुर्बानी करो, बकरे उसे ऑनलाइन खरीदो, बकरे लाओ पर्दा लगा करके सोसाइटीज़ में जहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं करो, कहीं गंदगी नहीं होना चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए, दूसरी तरफ बकरे को शहर में आने मत दो, क्या मतलब इसका है? तो आपको लगता है कि ये शिवसेना सरकार ने एक मुसलमान जो है बराबर जो है इनको मिसगाइड किया या लॉलीपॉप दिया है? नहीं, मुझे बहुत नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ जाती हुई है, जब बीजेपी की सरकार थी तो ऐसा नहीं हुआ, और आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है
वो सरकार इतना ज़्यादा वहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि वहाँ पर बकरीद के लिए जी वही गुजरात से बकरे आए हुए महाराष्ट्र बॉर्डर पे, गुजरात गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, महाराष्ट्र आपकी सेक्युलर, आप ही दुहाई देते हो कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एक सेक्युलर सरकार है, मुसलमानों के लिए अच्छा होगा। आप ही अबू हाशिम आज़मी जी, हम आपसे बात करते हैं, जहर का घूंट पीकर ये काम करते हैं, इसलिए करते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में आने ना पाए। हमने कोई मिनिस्ट्री नहीं लिया, वो तो वहाँ से बकरे छोड़ रहे, यहीं पर आपकी सरकार अलाउड नहीं कर रही है। हमने कोई मिनिस्ट्री, अरे बकरे ठीक है, और चीज़ें जो हो रही है उसका क्या है, बकरे एक तो बकरे की बात कर रहे हैं आप, दूसरे तो रोजाना मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा है, एक तरफ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ NRC और CA ला के क्या क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को देख करके हम लोगों ने सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने का मतलब नहीं कि हम गुलाम बन गए किसी के, हमने सपोर्ट किया है, लेकिन उद्धव जी ने जो किया है ये हमें बिल्कुल, क्या रीज़न लगता है आपको क्यों ऐसा किया उद्धव साहब? क्या जो 5 तारीख को जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, एक हिंदुत्व का चेहरा दिखा रही है शिवसेना गवर्नमेंट, क्या बात है? नहीं मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि वो क्या क्या है, लेकिन ये बात सही है कि इन्होंने हिंदुत्व का चेहरा दिखा दिया और उनका उनके लोग खुश रहें, मुसलमान भाड़ में गया इनको फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सच्चाई है। बकरे कट रहे हैं देवनार में, वाटर बफेलो कट रहे हैं, मगर सिर्फ कुर्बानी मना। हाशिम भाई एक बार अगर ये कुर्बानी मना हुई तो शायद आपको लगता नहीं कि आगे भी तकलीफ हो जाएगी इस चीज़ के लिए? ठीक है भाई, देखें लड़ेंगे करेंगे क्या करेंगे, अब तकलीफ होगी तो वो निपटेंगे, जैसे सब चीज़ निपट रही है वो निपटेंगे, कोशिश करेंगे अपना काम कोशिश करना है। और याद है आपको, जब जुल्म ज़्यादती बढ़ती है ना तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता है, ये कुरान में लिखा है, कुरान को झुठला नहीं सकता। टिड्डी दल आता है, आ गया टिड्डी दल, तूफान आता है, तूफान भी आके चला गया, झटका देके गया, और अभी एक कीड़ा आया है जो दिखता नहीं है, मिलियन कीड़ा, 1.5 ग्राम का में ताकत, उसके 1.5 ग्राम का वजन भी नहीं है। और पूरी दुनिया जो लोग बहुत चैलेंज करते थे ना कि हम आसमान पर जाकर दुनिया बसाएंगे, चाँद पर जाकर करेंगे, सबकी हैसियत ख़त्म हो गई, घुटने टेक दिया अल्लाह के सामने। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के हुक्म में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, भगवान के हुक्म में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों पर आज़ादी के साथ होना चाहिए। हम मानते हैं इस बात को कि कोरोना एक भयानक बीमारी है और उस पर उसके लिए हम तो कह रहे हैं ना, देखिए अगर आज मस्जिद खुल जाती है तो 100% लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, लंगड़ा भी आएगा, लूला भी आएगा, सब आएंगे, लेकिन अगर कुर्बानी खुल जाती है तो नहीं आएंगे लोग, क्योंकि पैसे लोगों का ही नहीं। और कितने परसेंट लोग कुर्बानी करते हैं? 7-5% 10% लोग कुर्बानी करते हैं। कितनी 2.5 लाख बकरे आते थे यहाँ, बम्बई की आबादी कितनी है? 1.5 करोड़ है, कम से कम 50 लाख मुसलमान होंगे, लेकिन कुर्बानी कितनी होती है? मुश्किल से 2-2.5 लाख होती थी, और अब की बार तो 1 लाख भी नहीं होगी शायद, नहीं होगी। अब तो इतनी कम कुर्बानी मस्जिद हमने नहीं जिद किया कि मस्जिद खोल दीजिए आप, हम जानते हैं कि मस्जिद खुलेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, लेकिन कुर्बानी से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होगा। उद्धव जी आपके पास, आपके मुंबई में रोज़ाना 100 ट्रक सब्जी के आते हैं, 100 ट्रक मुर्गी और बकरी के आते हैं, 100 ट्रक फ्रूट के आते हैं, अनाज के आते हैं, और बाज़ार में जाकर देखिए क्या हो रहा है, आप रुक रहे हैं, आप इस तरह रुक रहे हैं, ये अच्छी बात है। भाई आपने शरद पवार जी को इन्वॉल्व किया 2 दिन पहले, शरद पवार जी बहुत पावरफुल नेता है जैसा आपको सबको पता है, उनके इंटरफेरेंस क्या उनका भी प्रभाव जो है इस गवर्नमेंट पे नहीं पड़ा या वो नहीं चाह रहे? देखिए मैं शरद पवार साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने सुबह उनको फ़ोन किया, मुझे उन्होंने बुला लिया, उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई, हाई पावर मीटिंग बुलाई, अब मैं उस गाय कुछ नहीं कह सकता, शरद पवार साहब जरूर चाहते थे, अब प्रभाव क्या नहीं आ रहा है। देखिए हाशिम भाई कौम ये जानना चाहती है कि मीटिंग बेशक एक अबू हाशिम आज़मी है, रईस शेख है, ये जो बहुत ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, आपने शरद पवार जी को सुबह सुबह उठाया, शाम को मीटिंग करवाई, मगर उसके बावजूद भी सारे नेताओं के एक प्रभाव जो होना चाहिए, जो एक इफेक्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। कौम ये जानना चाहती है क्या हमारे मुस्लिम जो MLA हैं क्या वो इस काम में असक्षम रहे? बिल्कुल असक्षम नहीं रहे, जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं उनको कैबिनेट के अंदर ही बवाल करना चाहिए था, वहाँ पर इस बात को मनवाना चाहिए था, अपना गुस्सा दिखाना चाहिए था, लेकिन गुस्सा कहीं नज़र नहीं आया। हमें असलम शेख ने कहा कि हमारी पूरी SAP बन चुकी है, आप बिल्कुल मत बोलिए, सब हो गया है, फर्स्ट क्लास हो गया, बुलाया हमारे को कॉरपोरेशन का, वहाँ पे एडिशनल कमिश्नर आए, उन्होंने दिखाया जो हम मांग रहे थे उससे ज़्यादा हमको दे रहे थे, वो हम 50-25 जगह बाज़ार बना देंगे और जो है CCTV लगा देंगे, वहाँ टॉयलेट बना देंगे, वहाँ पर जो है ऐसा स्क्वायर बना देंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, सब बात कर लिया। दूसरे दिन आकर के मुख्यमंत्री ने दूसरी बात कर दिया, तो इस मंत्री को बोलना चाहिए कि भाई कल ये बात हुई थी, आज कैसे चेंज कर दिया? नवाब मलिक साहब मिनिस्टर हैं, हम तो मिनिस्टर नहीं हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस और NCP जो शिवसेना कह रही है उसी के नक्शे कदम पे चल रही है और कुछ चीज़ अपनी तरफ से मांगने की ताकत नहीं रही है मिनिस्टरों में? अब कितनी ताकत मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग बहुत अफसोस होते हैं आवाम को ऐसे मौके पर, आप जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या आखिर में क्या है? 2 दिन बाद ईद है हाशिम भाई, क्या रिजल्ट है? अभी भी कोशिश जारी है क्या? देखिए हमारे देश में रिश्वत चलती है, जितना रिश्वत से बकरे ला सकते हो ले आओ, पैसे दे के लाओ, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, 2 पैसे इनको लाओ, और जब नहीं आ सकते हैं तो बाहरी कहीं कुर्बानी कर लो, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्या करेंगे?
तो ये थे अबू हाशिम आज़मी जी, लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं बकरों के लिए, बकरा ईद के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, मगर कुछ हो नहीं पा रहा है। आवाम जो है सवाल कर रही है। ये थे हाशिम भाई, हमने इनसे पूरी बातचीत की, अब देखा जाएगा। हाशिम भाई, ऐसी कुछ उम्मीद है आगे भी कुछ और मीटिंग से? फाइनल हो गया? मुझे कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अच्छी बात, अल्लाह कर, अल्लाह तारा था उसको मेहरबानी आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैं मुझे अब उम्मीद को नज़र नहीं आ रही। बहुत जी से तो उन्होंने तो कहा था कि हाँ बकरे ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, ये तो वर्ड थे उनके, क्या अगर आपने ऑनलाइन बकरा बोला तो ट्रांसफर क्यों का? तो शरद पवार जी की बात भी नहीं मानी जा रही है इस गवर्नमेंट में, या शरद पवार जी नहीं चाह रहे, या कांग्रेस जो है नहीं चाह रही है? चाह रहे हैं शरद पवार जी, चाह रहे हैं, कांग्रेस भी चाह रही है। शरद पवार जी चाहेंगे और नहीं होगा महाराष्ट्र में, ऐसा कैसे हो सकता है? दो महीने इनको सरकार बनाने में लगी, दो महीने पूरा अपनी शर्तें मंजूर करने में ये शरद पवार जी को, और जो कांग्रेस को है, आप कांग्रेस के आप भी साथीदार रह चुके हो, तो उनको आप इनको दो महीने लगे अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, और इस बात पर कह रहे हैं कि कोई मान नहीं रहे। जी 15% हमारी तादाद है और हम किसी को वोट बैंक नहीं है, हम देखते हैं कौन बीजेपी को हराएगा उसको वोट देते हैं। तो हम अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम भी उसी, हमारी वही हैसियत है कि एक समुद्र में एक नाव जा रही है, उस पर एक कौवा बैठा हुआ है, उड़ता है लेकिन फिर बेचारे को वहीं आगे बैठना पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हमारी वही हालत देश में, हम करें तो क्या करें? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।